हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अपनी खस्ता हाली तो देखो। मुझे तुम पे तरस आता है, लेकिन मैं तुम पर रहम नहीं करूंगी। मैं तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा बिगाड़ दूंगी और तुम सिर्फ खड़े देखते रहोगे। गोकतुक, खुशी से देखूंगा। तुम अपने शोहर को वारिस नहीं दे सकती तो तुम्हारा जीने का कोई हक नहीं, ऐसा ही है ना बाला? इसे नीचे उतारो। चलो किसका इंतजार है? जल्दी करो। छोड़ो मुझे। मेरे भाई, बोरान। गोतोक मेरा भाई, जानता था ये तुम कर दिखाओगे। मेरे सरदार हमेशा बेहतरीन फैसला करते हैं। मेरे उस्मान, क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना बाला? ठीक हूं मैं। तो तुम्हारा मरना यूं ही लिखा था। बाला, मैंने आपको बहुत याद किया। माशाल्लाह गोकतोक, तो तुमने ये कर दिखाया। आज से तुम कुमानों पर हुक्मरानी करोगे। तो यानी मैं आपसे फिर एक बार जुदा हो जाऊंगा? सिर्फ फातेह होने तक, फातेह होने तक। ठीक है भाई, शुक्रिया वाला खातून। अल्लाह राजी हो तुमसे गोतुक। ये एक अच्छा खेल था उस्मान साहब। ये खेल तो जारी रहेंगे गोतुक। अब जाओ यहां से। अंकारा के सरदारों में से ये सरदार उमर साहब की बेटी है। मेरा नाम मलहून खातून है। हम यहाँ उस्मान साहब के दावतनामे पर इनकी जमीनों पर आबाद होने के लिए आए हैं। खुश आमदीद। बाला, अमानतें तुम्हारे हवाले हैं। आप फिक्र ना करें। सिपाहियों, बाला खातून और मलहून खातून को कबीले ले जाओ। चलो सिपाहियों। बोरान, हमें सोच जाकर मालूम करना है कि कारवां का मसला क्या है। जी मेरे हुजूर। जल्दी करो, हमें इससे पहले पहुंचना है। जल्दी। देखते हैं कारवां का मालिक क्या कर रहा है। सिपाहियों, खोलो इन्हें। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह राजी हो आपसे, आप वक्त पर पहुंच गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अल्लाह आपको हमेशा हमारे दरमियान रखे हुजूर। पहले आप खुद को संभालिए। शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। अब मुझे बताइए, सुन रहा हूं मैं। अचानक काफिले पर हमला हो गया, हमारा तमाम सरमाया लुट गया। उसमें दिन दिहाड़े सोत के ऐन दरमियान उन्होंने हम पर तशद्दुद भी किया। तो उन्होंने आपको जिंदा क्यों छोड़ दिया? सोने के सिक्कों की वजह से हुजूर। उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया, इसीलिए हमें जिंदा छोड़ दिया। एक ताजिर के लिए माल जान से ज्यादा अजीज होता है, जान माल से ज्यादा अजीज नहीं होती। हुजूर, आपने हमें कहा था कि काफिला लेकर आओ और अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मुझ पर आयद होगी। सुलेमान, इसी वजह से इस हमले के नुकसान के अजाले के लिए आपको कहना हमारा हक बनता है। अगर हमने तुमसे कोई वादा किया है तो हम उसे पूरा करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। शुक्रिया हुजूर। अल्लाह राजी हो आपसे हुजूर। अब जैसे कि शैतान ने एक मेज सजाई और जानना यह है कि उस पे किसने खाया और किसने उसे गंदा किया, फिर हम फैसला करेंगे कि आगे हमें करना क्या है। अल्लाह आपको सेहत दे और उम्र दराज करें। तुम्हारी भी, तुम्हारी भी, तुम्हारी भी। हमने अपना खेल खेला, लेकिन उसे हम पर शक तो नहीं हुआ। अगर उसे शक हुआ होता तो तुम मुझसे अभी बात नहीं कर रहे होते। हर चीज के बावजूद हमें एहतियात का दामन नहीं छोड़ना। अगर उस्मान जाग गया तो हमें उसे दोबारा सुलाना होगा। करीब का इलाका महफूज करो। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह आपसे भी राजी हो। अल्लाह तुम सबसे राजी हो। आप यहाँ आए, आपका बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। अच्छा तो तुम उमर साहब की बेटी हो। बिल्कुल ऐसा ही है सलजान खातून, मेरे बाबा को जानती हैं। अनातोलिया की सरजमीन पर ऐसा कौन है जो उमर साहब को नहीं जानता? मुझे अंदाजा है कि तुम मंगोलों की वजह से बहुत तकलीफ में रहे। जहाँ तक मैं जानती हूँ हम यहाँ से वहाँ ही जाते रहे। गेहातू वक्त बे वक्त हम पर हमले करता रहा। मेरे परवरदिगार की रहमत और औलिया कराम की दुआएं उन लोगों के साथ हैं जिन पर जुल्म होता है मेरी बेटी। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह की रहमत और औलिया की मदद हमारे साथ ना होती तो हमारा सांस लेना भी मुमकिन न था। बाबा उमर साहब और मेरे दादा बायुंदरुलो अमीरुल अम्र कैजल साहब की नस्ल के लिए। अहमद क्या बात है? उन्हें मत बताइएगा। अहमद ठीक है बेटे। बाला मेरी प्यारी बच्ची, हम मलहून खातून के साथ बातें कर रहे हैं। तुम क्या तलाश कर रही हो? क्या अहमद यहाँ आया है? कोई खबर है आपको उसकी? नहीं बेटी, अहमद तो यहाँ नहीं है। ठीक है, हमारा एक बुरे वक्त में मिलना मकसूद था मलहून खातून। अगर आपको कबूल हो तो मैं कुछ वक्त आपकी मेहमान बनूंगी बाला खातून। हमारे अच्छे दिन आएंगे यकीनन। आप हमारी मेहमान हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे। मैं जीत गया। चले अब आप छुपे। रुक जाओ बेटा, रुको। अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ अभी। आपका बेटा बहुत प्यारा है माशाल्लाह। नहीं, मेरा बेटा नहीं है ये। पूरे ही कबीले का बेटा है अहमद। यतीम है ये, एक शहीद का बेटा है। अल्लाह इसके बख्त अच्छे करे। आमीन आमीन। इजाजत चाहूंगी, सिपाहियों को देखूं। हाँ जरूर जाओ बेटी। बाला, तुम क्या सोच रही हो बेटी? हमें ये तो मालूम है कि ये कौन है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो यहाँ क्यों आई है। क्या ये वाज़ेह नहीं है बेटी कि जिसका कोई मकसद ना हो वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुँच सकता? बाकी सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। यकीनन जिस मकसद से आई है वो सरदार को जरूर बताएगी। औलिया का कहना है कि बच्चा अपने बाप का राज होता है। यकीनन वो भी अपने बाबा की तरह बहादुर है। उसके बाबा उमर साहब एक ताकतवर सरदार थे। अनकरा से, गर्मियान से उनके कबीले ने बाकियों की तरह जगह जगह हिजरत की सख्तियां झेली हैं। अब देखते हैं कि ये लोग आखिर कहाँ आबाद होते हैं। यह सब मेरी वजह से हुआ है बमसी साहब, सब मेरी वजह से। मुझे आपकी बात हरगिज नहीं माननी चाहिए थी। आपकी इसमें कोई गलती नहीं। अस्तगफिरुल्लाह बमसी साहब, अस्तगफिरुल्लाह। तशरीफ रखिए। ये किसी की नहीं सुनते हुजूर, इस हालत में भी नमाज पढ़ने का कह रहे हैं। बमसी साहब, हम ऐसे जाल में कैसे फंस गए? हम उस गद्दार का अभी तक पता नहीं लगा सके हैं। जल्द या बदेर पता लगा लेंगे उसका और उसे इबरत का निशान बना देंगे। लेकिन मुझे तकफूर योरगो से मिलना होगा पहले। हमें उस काफिर निकोला के खेल से सिर्फ वो ही निकाल सकता है। इदरीस साहब, हमें कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए। बमसी साहब से कुछ खुसूसी राजो न्याज करना चाहता हूँ। बिल्कुल हुजूर, मुझे जाना चाहिए। आप बातचीत जारी रखें। अब बमसी साहब, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बुलाइएगा। उस्मान साहब, आप तकफूर योरगो से मिलेंगे, ये आपने इदरीस के सामने क्यों कहा? बहुत जल्द गद्दार मेरी गिरफ्त में आने वाला है बमसी साहब। देखते हैं हमने जो बात की है वो निकोला तक पहुंचती है या नहीं। आपको इदरीस पर शक है? हाँ, गीदड़ों तक खबर कैसे पहुंची कि आप कबीले से निकले हैं? मैं भी यही सोच रहा था। हम ढूंढ निकालेंगे। गुंदूज भाई, अब्दुर्रहमान गाजी और सिपाही रवाना हो चुके हैं, लेकिन साउची भाई की कोई खबर नहीं आई। आयगुल बुनी के साथ थी। लगता है वो लोग फलातियूस के जाल में फंस चुके हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें उस्मान साहब, जय कुताय और आयगुल उनके साथ हैं। बिल्कुल ठीक कहा बमसी साहब आपने। मुझे शेख खदवाली से मिलना है। आप पहले से बेहतर लग रहे हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। आप उनसे मिलें तो मेरा सलाम दीजिएगा। मैं बस ठीक हो जाऊं फिर उनसे मुलाकात करूंगा। बिल्कुल ठीक है बमसी साहब, ठीक है। चलो जल्दी करो, अभी बहुत काम बाकी है। देखो तो सही, गुंजा खातून अकेले काम कर रही हैं। अल्लाह आपके लिए आसानियां करे। शुक्रिया बुरान। ये क्या है? लंगर खाने में खाने की तैयारियां कर रहे हैं हम लोग। अल्लाह खुश रखे बाला को। इस मुश्किल वक्त में भी जरूरतमंदों को नहीं भूली वो। अल्लाह उनसे राजी हो। अल्लाह हम सबसे राजी हो बुरान। मैंने सुना है बाला को आपने बचाया है उस गद्दार से बोरान। अगर आप ना होते तो। अल्लाह उन्हें जिंदगी दे गुंजा खातून। आप ये क्या कर रही हैं? रुकिए, आपको जख्म है, तकलीफ होगी। इतनी नाजुक नहीं हूँ मैं जितना आप मुझे समझ रहे हैं। ये तो मामूली सी तकलीफ है। जानता हूं कि आप नाजुक मिजाज नहीं, लेकिन जब आपको तकलीफ पहुंचती है तो मेरे दिल में टीस उठती है। ऐसा है तो फिर ये सामान आप अकेले ही उठा लें। हाँ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कोई बात नहीं। हर चीज मयस्सर है। अब आप यहाँ आराम कर सकती हैं। मेरे सिपाहियों के खेमे तैयार हैं क्या? तैयार हैं, वो सब अपने खेमों में हैं। किसी बात की परेशानी है क्या? आपके कबीले की खवातीन कालीने और बिस्तर की चादर बनाती हैं क्या? बिल्कुल। क्यों पूछ रही हैं? मैं दमिश्क के कपड़े की आदी हूं, लेकिन ये भी बुरे नहीं हैं। हमारी खवातीन बहुत माहिर हैं। क्या आपके कबीले में भी कुछ ऐसा ही है? अल्लाह की जमीन बहुत वसी है बाला खातून। आपको सफर करना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि आपके लिए और आपके शोहर के लिए रहने की कोई जगह नहीं मिल सकी। मेरी शादी नहीं हुई अभी। इसकी वजह क्या है? मैं किसी बहादुर को ही अपना दिल दूंगी। अल्लाह की जमीन बहुत वसी है मलहुन खातून। आपको वो एक दिन जरूर मिलेगा। आप बस तलाश जारी रखें। फिक्र न करें बाला खातून। जिसे मैं अपना दिल दूंगी बेशक वो एक सरदार का बेटा होगा। वो भी एक सरदार की बेटी की तलाश में होगा। अब आप आराम करें। तशरीफ रखिए मोहतरम शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अरसे से आपकी आमद के मुंतजिर थे और यहां लौटकर आपने हमें इज्जत बख्शी है, आपको बहुत शुक्रिया। अस्तगफिरुल्लाह हुजूर। शुक्र है अल्लाह का कि जिसने हमें अर्तुल गाजी की सरजमीन पर आने का शर्फ बख्शा। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह, हम गवाह हैं कि आप दीन और अकदार के रास्ते पर चल रहे हैं। अपनी मंजिल पा लेंगे आप। आमीन। बैठ सकती हूँ बाबा? मेरी प्यारी बेटी, आओ हमारे पास बैठो। तो इसीलिए बुला और साबित कदम रहो जैसा तुम्हें हुक्म दिया गया है, और उन ख्वाहिशों के पीछे न चलो, और कहो कि मैं उस किताब पर ईमान लाया जो अल्लाह ने उतारी है, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान इंसाफ करूं। अल्लाह पाक अपनी किताब में यह हुक्म देता है। और हाँ, हमें हमारे दीन इस्लाम ने यह भी सिखाया है कि जब किसी को क़यादत सौंपी जाती है, अगर वो लोगों की भलाई और इंसाफ की खातिर फैसले करता है, उसका रास्ता रोशन होगा। और जो कोई भी लोगों के सरों पर सिर्फ हुक्मरानी करता है, वो इंसाफ और अपने लोगों की भलाई की परवाह नहीं करता, उसका रास्ता तारीकी है। आपका रास्ता रोशन हो हुजूर। अल्लाह आपकी नस्ल में बरकत और खुशहाली फरमाए। आमीन आमीन। जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ तुर्क मुसलमानों की जिद्दोजहद जारी रहे। अल्लाह पाक अर्तुल गाजी की सौंपी हुई सरदारी को तख्त में बदल दे और ये तुम्हारी औलाद में मुंतकिल हो इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। ऐसे मत चीखो फजूल में, मुझे तकलीफ हो रही है। अब मैंने वाकई तुम्हें तकलीफ दी है ना? इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? चौधरी के चांद का अक्स जब मेरी तलवार में आता है तो मेरी तलवार ऐसे चमकती है। कैसे चमकती है? तुम्हारी आंखों की तरह। भाई सुंगुर, दोबारा कोशिश करो। हुजूर। इंतजार कर रहे हैं हुजूर। वो लोग हमें यहां भूखा मारना चाहते हैं। हमें यहां से निकलना होगा। हमें दुमरुल का इंतकाम लेना है उनसे। हुजूर, अगर वो चारों तरफ फैले हुए न होते तो हम रात के अंधेरे का फायदा उठाकर यहां से निकल सकते थे। तुम ठीक कह रहे हो भाई सुंगुर, ठीक कह रहे हो। अब क्या सोच रहे हो? मैंने उन्हें मकड़ी के जाल की तरह घेर लिया था, लेकिन उस्मान फिर भी भाग गया। तुम्हारी मकड़ियां जाल बुनने में शायद अनाड़ी है। मैं उनका हिसाब किताब बराबर करने ही वाला था और फिर पता नहीं वो औरत कहां से आ गई, जैसे आसमान से उतरी हो। कैसी औरत? मलहून खातून। मलहून खातून नाम तो उसका जान लिया, लेकिन उसे नहीं जानता। देखते हैं। वो औरत उमर साहब की बेटी है। गैस लीजिए, उमर साहब कौन है? अनकारा के ताकतवर तुर्कमानों में से एक है वो शख्स। लानत हो उन वैश्यों पर, हमारी सरजमीनों में वो कीड़े मकोड़ों की तरह फैल गए हैं। वो इनकरा का सरदार है, तो उसकी बेटी यहाँ क्या कर रही है? और क्या कर सकती है? उस्मान और उसके बाप अर्तुरुल की पैरवी करने के अलावा और क्या काम हो सकता है? उसके दादा सैफुद्दीन कज़ुल सुल्तान अलाउद्दीन के सबसे भरोसेमंद और बहुत ही काबिल आदमी थे, लेकिन अलाउद्दीन के मरने के बाद सैफुद्दीन के बेटे ने नए सुल्तान गयासुद्दीन और मंगोलों के खिलाफ बगावत की तैयारी शुरू कर दी। आखिरकार चंगेज खान के कुत्तों ने उसे शहर के बीचों बीच कुचल दिया। तब से उनके और मंगोलों के दरमियान कभी ना खत्म होने वाली लड़ाइयां हैं। देहातों के कुत्तों के हाथों कुचल जाने से बचने के लिए वो उस्मान के साथ इत्तेहाद करेंगे, इसीलिए उसने अपनी बेटी को भेजा। बहुत खूब निकोला, बहुत खूब। वापस जाकर पापा आजम को मैं जाती तौर पर बताऊंगा कि तुम कितने होशियार हो। उस्मान ने जिस मंसूबे के बारे में उसने सोचा था वो सब शुरू हो गया। बहुत जल्द हमें ये किला भी खाली करना पड़ जाएगा। ये किला खाली करके हम कहाँ जाएंगे निकोला, बताओ हमें। और पापा आजम के पास तुम सब की इस नाअहली की वजह से तुर्कों को यहाँ आबाद होने से रोकने के लिए दस्तावेजात भी नहीं है। मुझे बताइए मोहतरम शेख, कस्बों से शुरू होने वाले आलमे इस्लाम और तुर्कों के अहवाल क्या हैं? जिसके हम लायक हैं उस्मान साहब। मुसलमान मुसलमान से और तुर्क तुर्क से लड़ रहा है। मुसलमानों का दागा गया तीर मुसलमान ही को लग रहा है। जिनके हाथों में तलवार थमाई गई है वो मुसलमानों को मार रहे हैं। दमिश्क परेशान है। बगदाद तबाह है, हलब में आग लगी है और अनातोलिया का तो बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि वहां ना तो कोई ताकतवर रियासत है और ना ही निजाम। मैंने ऐसे बहुत से मनाजिर देखे हैं हुजूर कि जिंदा लोग अपने मरने की दुआएं करते हैं। अगर देखा जाए तो वो सब रियासत है और सब सुल्तान है। अगर कोई इत्तेहाद नहीं, अगर कोई अमन नहीं, तो आपका तख्त सोने का भी हो तो क्या फायदा उस्मान साहब। जो चीज कायम रहेगी वो तख्त नहीं बल्कि रियासत है। फिर क्या होगा? जो होना होगा वही होगा। तो अब आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं? मैं अपने दादा सुलेमान शाह और बाबा अर्तुल गाजी की वसीयत के मुताबिक काम कर रहा हूं। आपके आबा व अजदाद की वसीयत क्या है? अर्जुरुम के मैदानों से हल्ब के सहराओं तक बहता हुआ खून अब एक रियासत का कयाम चाहता है। वो चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, यहां तक कि आलम इस्लाम और आलम तुर्क एक इंसाफ वाली आलमी रियासत चाहते हैं। जिस तरह आपके सीने से चिनार का एक दरख्त फूटता है, उसके साये में दुनिया के तमाम मजलूम पनाह लेंगे। वो होगी आलीशान रियासत। यही कोशिश है मेरी मोहतरम शेख। मंगोलों के जुल्म से बिखर जाने वाले तमाम कबाइल को दावत दे रहे हैं। मेरी आरज़ू और मेरी सारी कोशिशें सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए हैं। अनातोलिया के सब माहिराही मेरे कबीले में हैं। जंग के लिए जो सोते नहीं हैं वो गाजी मेरा लश्कर बन चुके हैं। अपने हाथों में तलवारें लिए मेरी बहनें जो अपने सरदार की साथी हैं और जंग में गाजियों से भी ज्यादा पुरजोश है, वो आएंगे क्योंकि आप उन्हें जमीन देंगे, जानवरों के लिए चरागाहें और उनके लिए मैदान और पहाड़ फ्राहम करेंगे। मैं तारगोन को मार डालूंगा। यकीनन कि तुम उसे दोबारा मार सको, इसलिए मैं उसे जिंदा कर सकता हूं निकोला। हम दस्तावेजात हासिल करने में नाकाम हो गए, लेकिन हम ये जानते हैं कि उस्मान क्या करना चाहता है। ऐसे है ना, बागियों और गेहातों के हमले से भागे हुए तुर्कमान कबाइल अब पूरे अनातोलिया में फैल चुके हैं और उस्मान ने उन सबको अपने साथ जुड़ने की दावत दी है। उसने उन्हें अपने मनहूस बालों वाले खैमे और बकरियों के रेवड़ की जगाली के लिए हमसे ली गई जमीनों का वादा किया था। ओह, उस्मान तुर्क कबाइल को इकट्ठा करने के लिए तुम्हारी तमाम जमीनों का उनसे वादा कर रहा है और तुमने ये पता लगा लिया। बहुत जबरदस्त, जबरदस्त। मगर मेरे सवाल का असल जवाब जिस पर मुझे हैरत है वो ये है कि तुम तेगफोर निकोला उस्मान के इस मंसूबे के खिलाफ आखिर क्या करने वाले हो? जो मुझे करना चाहिए आही जो भी बनाएंगे, हमारे गाजी उनकी बनाई हुई तलवारों से काफिरों के साथ जंग करेंगे। हमारी औरतें काम करेंगी अपनी दस्तकारी और अपनी नस्लों पर। क्या केर शहर में मंगोलों की जालिम तलवार आने से पहले ऐसा नहीं था बेटा? अजीम सुल्तान आपके बाबा के दोस्त के कुबात पर गौर करें तो उन्होंने हलालिया फतह किया और सिनोप चले गए। क्या उन्होंने वहां लोगों को मुत्तहद कर लिया? क्या कारवां सराय वालों को उन्होंने माहिर आहियों के साथ अपनी जमीनों पर मुत्तहद नहीं किया? क्या गरीबों, फकीरों और तमाम तुर्कों की उन्होंने हिफाजत नहीं की? क्या मुकम्मल किए हुए शिफाखाने लोगों की शिफा का सबब नहीं बने? क्या नामवर असातिज़ा ने अपने मदरसों में दर्स नहीं दिया? क्या उनकी अदालतों ने इंसाफ फराहम नहीं किया? इंशाल्लाह शेख, इंशाल्लाह हमारे सीने में जलती हुई आग आपके कहने के मुताबिक रियासत की आग है। सारे आही, सारे गाजी और बहनें, आप एक और ग्रोह को भूल गए हैं। यकीनन रियासत उनसे कायम तो हो सकती है, लेकिन ये आबाद रहेंगी हम नहीं जानते। दानिश्वरों की दुआएं हैं, आहियों की, गाजियों की और बहनों की, और यकीनी तौर पर अब्दाल दरवेश की। जान लो कि तमाम अब्दाल दरवेश आपके पीछे मौजूद हैं। दानिश्वरों की दुआएं आपके साथ हैं। अल्बिस्तान के गार्क की कयामगाह से लेकर दारिंदन से पीर महमूद हीरानी की कयामगाह से सलोजा कारा हुक्ता से लेकर हाजी बैक्तस की कयामगाह से और बहुत सारे दूसरों की तरफ से दुआएं आपके लिए आसमान की जानिब जा रही हैं। यहां तक के पीर बाबा ताबतुक की कयामगाह से भी। उनका साया हम पे कायम रहे। नालेहान का रहसार में मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। मैंने उनसे भी आपकी सरदारी की खबर सुनी। एक तोहफा भेजा है उन्होंने आपके लिए, वो अमानत आपको दे दूं, कहीं भूल ना जाऊं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बाबा ताबतुक का हर अमल बहुत ही अनोखा है। यहां तक कि तहाइफ देने में भी उन्होंने दरवेश यूनुस एमरे की एक सतर आपके लिए तोहफतन भेजी है। हमारी रियासत औलिया की दुआओं से बनी है, जिसकी वजह से हम फितनों से बचे हुए हैं। दरवेश यूनुस एमरे को बाबा ताबतुक ने पढ़ाया। दरवेश यूनुस एमरे का कलाम हक के सच्चे अल्फाज हैं। उनके अल्फाज एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उनमें गहरी बातें होती हैं। रियासत मुकद्दस लोगों की तालीमात को फैला सकती है और मुकद्दस लोगों की तालीम एक रियासत बना सकती है। लहू गर्मा दिया आपने आकर और अकल को रोशन कर दिया। इंशाअल्लाह तुर्कों और इस्लाम की नई रियासत इन्हीं लोगों की दुआओं से कायम होगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अचेर कथा है। हाँ, तुम बगैर बताए किसी को कैसे जा सकते हो? ये किस किस्म का सिपाही है? हाय पागल लड़के, हाय। कहाँ रह सकता है वो? जेरकुताए आ गया। कहाँ थे तुम? हमारे पास हथियार है और उसे इस्तेमाल करने वाला आदमी भी। इसमें क्या है? जर को दाय भूखा नहीं रह सकता। चलो तुम लोग खाओ, तुम लोगों को अपनी ताकत बहाल करने की जरूरत है। भाई सुंगुर जाओ तुम भी खाओ। शुक्रिया बेटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मलहून खातून? आ जाइए। मेरे सिपाही कैसे हैं? वो सब के सब ठीक हैं। क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? बिल्कुल नहीं खातून। जैसा कि मैंने कहा, अपनी आंखें खुली रखो और अपना मुंह बंद रखो। कबीले और सौत में जो भी होता है सब जानना जरूरी है। जैसे आपका हुक्म। मुझे लगता है अब उस्मान साहब से बात करने का वक्त आ गया है। ऐसा ना करें दुंदार साहब, आपको चलकर कुछ खा लेना चाहिए। मुझे भूख नहीं है खातून, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अभी कुछ खाने का भी जी नहीं कर रहा। मैं जानती हूं उस काफिर के साथ आपके ताउन के बावजूद उस्मान की सरदारी अभी तक कायम है, लेकिन अब इस रास्ते से मुड़ना मुश्किल है दुंदार साहब। अगर एक दफा भेड़िया जाहिर हो जाए तो वो दोबारा भेड़ नहीं बन सकता, कभी नहीं। ठीक कहा खातून, ठीक कहा, लेकिन तुम नहीं जानती इस भेड़ियों को बहुत सी मुश्किलात दरपेश हैं। सब खैरियत तो है? कुम्हार इद्रीस सब जानता है। निकोला से मैंने जो ताबून किया वो जानता है। मैंने कबीले पर हमला करने में मदद की, ये सब जानता है। ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? तो इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? अब से कुम्हार इद्रीस जो भी सांस लेगा, उस सांस के बदले उस्मान साहब ने जो रस्सी मेरी गर्दन में लपेटी थी उसे मजीद सख्त कर देंगे। अब आपका क्या मंसूबा है? मुनासिब वक्त का इंतजार है, जल्द उससे भी जान छुड़ा लूंगा मैं। मेरी जान बाला, मेरा गुलाब बाला, हर इंसान को आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। यूं ही हमारी मोहब्बत में भी एक आजमाइश है बाला। हमारा अल्लाह जो चाहता है वो सर आंखों पर। मैं दूसरी शादी करूंगा, ये मेरे बाबा की वसीयत है। बाला, इस तरह तुम्हारे उदास होने की वजह क्या है? एक परेशानी खत्म होती है और दूसरी शुरू हो जाती है। मेरा रास्ता तुम्हारे इन बालों की तरह है, कुछ बिखरे हुए हैं और कुछ उलझे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे पसंद है बाला। मेरा दिल फिदा हो चुका है तुम्हारी इन जुल्फों पर। परेशानियां भी कबूल करते हैं इनकी। अगर ये गजाली आंखें परेशानी का बायस हो और ये होंठ जहर से भरे हो तो भी इन्हें कबूल करूंगा, क्योंकि ये तुम्हारे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ उस्मान साहब? उठो, मैं देखता हूं ये क्या चाहते हैं। आ जाइए। खैरियत होगी इंशाल्लाह मलहून खातून। उस्मान साहब, मुझे एक सवाल पूछना है। सुबह भी हो सकता था ये सवाल। मेरे बाबा इस सवाल के जवाब के इंतजार में हैं। कैसा सवाल? उस्मान साहब, हम यहाँ आपकी दावत पर रियासत के कयाम के लिए आए हैं। हम यहाँ अपना खून और अपनी जान देने आए हैं, लेकिन हमने हमला शुदा कबीला और कैदी खातून को देखा। हमने आपसे मदद नहीं मांगी मलहून खातून। उस्मान साहब, हमारा मसला ये नहीं है। हम इन सरहदी जमीनों में आ रहे हैं, हम अपना मुकद्दर आपसे जोड़ रहे हैं, लेकिन कजील साहब के कबीले में 3-4 खेमे नहीं हैं, 10,000 लोग आएंगे। आप हमारे रेवड़ भी नहीं गिन सकते हैं। ये मेरे बाबा उमर साहब का सवाल है और पैगाम रसां को कसूरवार न ठहराया जाए, लेकिन उस्मान साहब मुझे बताएं, गुस्ताखी माफ, क्या आप इस बोझ को संभाल सकते हैं? इस बात के लिए जगह और ना ही वक्त मुनासिब है। खुश आमदीद। मुझे पैत्रोस से बात करनी है। यसू मसीह का मुकद्दस दिल, मोहब्बत का लामहदूद जरिया, रहम का वसी समंदर, परेशान हाल लोगों की तसल्ली, गुनाहगारों की पनाहगाह। और दुनिया की उम्मीद, हम में से कोई भी यसु मसीह का इतना मजबूती से पाबंद नहीं है जितना कि तुम हो मेरे भाई पेत्रोस। हर चीज के बावजूद हम गद्दारी कर रहे हैं, तो हम अच्छे दिनों की तवक्को कैसे कर सकते हैं? जब से उस्मान की सरजमीन पर आया हूं, मैं खुशखबरी सुनने का ख्वाहिशमंद हूं, डेविड। तो फिर जो खबर आप सुनेंगे आपकी पसंद के मुताबिक होगी। उस्मान ने ओयोन हसार के तैफूर योरगो के साथ इत्तेहाद का माहिदा कर लिया है। मेरा ख्याल है निकोला को ये बात मालूम होनी चाहिए। तो फिर तुम ये खबर निकोला को खुद बताओगे, डेविड। अब बेहतर होगा कि मैं कबीले वापस चला जाऊं। अगर अच्छी खबर लाओगे तो उसका तुम्हें इनाम दिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि तुम्हें यह खबर निकोला को देनी चाहिए, डेविड। तो फिर मुझे वक्त जाया किए बगैर पहले जाना चाहिए। अगर हमें दोबारा कुम्हार की खबर न मिली तो फिर हमें इसकी वजह मालूम होगी। अगर उसने इसके पीछे किसी को लगाया है तो इस तरह वो हम तक भी पहुंच सकता है। हम एक ताजिर हैं, मालिक। हमारी दुकान पर कोई भी आ सकता है। तैकफोरू ने निकोला को छोड़ना शुरू कर दिया है। निकोला की कमजोरियां हमारे पापा आजम की इन जमीनों के हुसूल की ख्वाहिश को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी। तो फिर हम उसे किस तरह यकीनी बनाएंगे? उस्मान की तरह हम इत्तेहादी बनाएंगे, यानी मंगोलों के साथ, है ना? अगर मैं गिहातों की जगह होता तो फिर मैं तबरेज के बंजर मैदानों से अनातोलिया के मगरिब की जानिब बगैर इत्तेहादी के अपने सिपाहियों को नहीं भेजता। तो अब वो किसके साथ इत्तेहाद करेंगे? क्या निकोला ये करेगा, तुम ये समझते हो? उस्मान उसका असली दुश्मन है, मगर वो गिहातों के तिरछी नजरें रखने वाले सिपाहियों को अपनी जमीनों में आने दे, इसका ये मतलब नहीं। निकोला की जगह आने वाला दूसरा तैकफोर ताउन नहीं करेगा, इसका ये मतलब भी नहीं। अगर उस्मान को ये पता चल गया कि उसके पीछे हम लोग हैं, तब तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हमें यकीन नहीं कि इसे अभी हम पर शक नहीं है, पेत्रोस। तो फिर हम उनके शकूक को शुबहात से छुटकारा जल्द हासिल कर लेंगे। कैसे? वो चले गए हैं जनाब। कैसे हो सकता है? कैसे? हम गए नहीं फरात्यूस, हम अभी आ रहे हैं। सिपाहियों हमला करो। मैं मार डालूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को यही मारूंगा। रहो बेटा, हम आ गए भाईजान। भाईजान वो भाग रहा है। चलो सिपाहियों, तुम ठीक हो ना मेरे बेटे? बामसी साहब, क्या बामसी साहब ठीक है? वो ठीक है बेटा, तुम फिक्र मत करो। अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। मैं मार नहीं सका उसे, फलात्यूस को नहीं मार सका मैं बाबा। भाईजान, मेरे भाई, शुक्रिया आप हमारी मदद को आए। तुबरुल कहाँ है? शुक्रिया। अक्सू का बहुत अफसोस है मुझे, उसका जनाजा भी उसकी तरह खूबसूरत था। अल्लाह राजी हो आपसे। बहुत शुक्रिया, उसने मुझे बचाते हुए अपनी जान दी। अल्लाह खुश रखे आपको। कुछ छुपा रही हो तुम? मुझे यहाँ आने से मना क्यों किया था तुमने? क्योंकि मैं जख्मी थी इसलिए। खुश रहें बाला खातून। अक्सू की वजह से अफसरदा हो? कोई और बात है तो बताओ मुझे बाला। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। बोलो, कुछ पूछ रही हूँ। नाराज हूँ मैं, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम जख्म ठीक होने से पहले क्यों यहाँ आ गई? आसानियां हो ख्वातीन, आपके लिए भी खातून। खैरियत तो है मलहून खातून? कल आप काई कबीले में और आज सोत में है, या आप यहाँ मुआयने के लिए आई हैं? जब मैंने आपके इस लंगर खाने का सुना तो मुझे फख्र हुआ, मैं इसे देखना चाहती थी। तो देखने के बाद अब आप जा सकती हैं। माशाल्लाह, मुस्लिम और गैर मुस्लिमों में इम्तियाजी सलूक नहीं। आपने ये सब पसंद किया, इसके लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। बहुत तल्ख बातें की हैं आपने उस्मान से कल रात। भूले ना कि वो एक सरदार के बेटे हैं। सही कहा आपने, मैं भी सरदार की बेटी हूँ। ये बात कबीले के मुस्तकबिल के बारे में थी, शायद आपने ये भी सुना हो। शुक्रिया, शुक्रिया। अल्लाह आपसे राजी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम शेख, अब से हम चाहते हैं कि आप इस दरगाह में मुकीम हो। आप हमें आरामदा बनाना चाहते हैं हुजूर, लेकिन क्या ये राहत हमें लंबे अरसे तक काम करने देगी? हमारे इस्तातिज़ा, हमारे तालिब इल्म और उनके साथ मुलाजमीन, मेरा ख्याल है कि ये जगह उनके लिए मुनासिब रहेगी। तशरीफ लाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बार बार तेरा नाम दोहराते हैं, खैर हो इंशाअल्लाह। जब अजीम सुल्तान के कुबाद अल्बिस्तान आए तो उन्होंने पीर दादा गारकन की जियारत की। उन्होंने उन्हें सुराख वाले तबाहल बालाई कमरे में पाया तो वो गमगीन हो गए और उन्हें एक महल सरा तोहफा किया, जैसा कि उलमा के सुल्तान बहाउद्दीन वल्द हरिजम की सरजमीन से कोनिया में जियारत के लिए आए। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के अलावा लोगों की निजात के लिए औलिया किसी और से सवाल नहीं करते, उसी पर तवक्कुल करते हैं। उन दोनों ने कहा कि मदरसे में तालिब इल्मों के साथ रहना बेहतरीन है सुल्तान, अल्लाह हमें अपनी राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन शेख मोहतरम। आमीन शेख आमीन। इंशाल्लाह ये जगह दरवेशों की आवाजों से भर जाएगी। ये जगह हमारी अजीम रियासत की खिदमत करने वाले कातिबीन और मुफ्तियों के लिए मुनासिब रहेगी। जहां भी जिसको कोई मसला दरपेश आए वो यहां आएगा और यहां फैसला करने वालों के आगे एक नौकर और एक सरदार में कोई फर्क नहीं होगा। यहां कानून और इंसाफ का गलबा होगा। तुम क्या कहते हो मेरे अब्दाल, क्या राज से पर्दा उठ गया? क्या कोई ऐसा राज है जो आपसे पोशीदा हो मेरे शेख मोहतरम? आपने अच्छा काम किया, अल्लाह आपके इरादों को कायम रखे। जहां इंसाफ नहीं होता वहां आसमान टूट जाता है। रियासत की बुनियाद इंसाफ है और यही हमारे दीन की तालीम है। अल्लाह हमें कामयाबी अता करे। आमीन। कहाँ जा रहे हैं आप? सब खैरियत तो है? वक्त आ गया है खातून। इसका हल अब आप कबीले में निकालेंगे, बताइए। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कोई बेवकूफ शख्स हूं? कुम्हार सोत में है, मैं जानता हूं। मुझे वक्त जाए के बगैर उसका खात्मा करना है। खात्मा करना जरूरी है इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा अपना हुजूर। फिक्र ना करो तुम। एक मुकम्मल चेहरे का मुजस्मा बनाना बहुत मुश्किल है हेलन, और ये मेरा अब तक का सबसे बेहतरीन काम है। आप खुद पर जुल्म कर रहे हैं निकोला। आप एक अजीम कमांडर होने के साथ साथ एक अजीम फनकार भी हैं। अगर उस्मान के खिलाफ मेरी नाकामियों को शुमार ना करें तो हाँ, डेविड आया है, वो आपसे मिलना चाहता है जनाब। ले आओ उसे। तुम्हारे जख्म कुछ ज्यादा ही जल्दी भर गए हैं। लगता है तुम्हारी दुआएं कबूल हो रही हैं। मेरे जख्म जल्दी भर जाते हैं, लेकिन जो खबर मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हें परेशान कर देगी। ऐसा भी क्या है? कोयोन हिसार के तैकफोर योरगो ने उस्मान के साथ इत्तहाद कर लिया है। क्या ये कुम्हार के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बड़ी खबर नहीं? बाजार में सुनी गई हर बात का यकीन मत करो। खबर का जरिया बराह रास्त उस्मान की अपनी जुबान से है। मैंने सोचा तुम्हें पता होना चाहिए। चले जाओ डेविड। जोरको, मैं उसे यहां दावत पर बुलाऊंगा। देखता हूं वो मेरी फनकाराना सलाहियतों की दाद देगा या नहीं। तुम्हारा गुस्सा मेरा गुस्सा है, तुम्हारा इंतकाम मेरा इंतकाम है। हमारे दरमियान इत्तेहाद को तोड़कर तारगोन की मौत का सबब बनने वाले निकोलास से हम हिसाब जरूर लेंगे। हिसाब इसलिए लेंगे कि हर किसी को यह मालूम हो जाए कि कुमान से खेल खेलने का नतीजा क्या होता है। सबसे पहले हम निकोला की दौलत लेंगे और फिर उसकी जान, और तारगोन की रूह को आराम मिलने तक जो हो सका करेंगे। हम उस्मान साहब से मिलना चाहते हैं। हुजूर, ताजिर मलिक आपसे मिलना चाहता है। आने दो उसे। हाँ तो बताइए, ऐसा क्या जरूरी था जिसने आपको मेरी तलाश करने पर मजबूर कर दिया? उस्मान साहब, आपकी दरख्वास्त पर और आप ही की हिफाजती यकीन दहानी पर एतमाद करते हुए कारवां लेकर आए। यकीनन मैंने वादा किया था, लेकिन मेरे वादे पर आप लोगों को शक क्यों है? अस्तगफिरुल्लाह हुजूर, लेकिन हर गुजरते वक्त के साथ हमारे नुकसान में इजाफे के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। हमें माफ करिएगा हुजूर, बहुत सी जमीनों से हमारे काफले गुजरते हैं। ज़मीनों पर कभी डाकुओं का वजूद ख़त्म नहीं होगा, लेकिन दरमियानों गोलों की ज़मीनों पर और चौबानों गोलरी की ज़मीनों पर भी हमारे नुकसान की हमेशा से अदालतों के फैसले से तलाफी होती थी। हुजूर, मेरे इंसाफ को आखिर आपके लिए मशकूक किसने बनाया? अस्तग़फ़िरुल्लाह, बिल्कुल नहीं। तो फिर आपकी ख्वाहिश क्या है? हम चाहते हैं कि इसका फैसला अदालत करे हुजूर, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आप ही हैं जिन्होंने फैसला करना है। हाँ, लेकिन आपके पास अदालत या काजी नहीं है। इसका मतलब अदालत चाहिए तुम्हें? अगर तुम लोगों ने मुझे अदालत ले जाने की ठान ही ली है, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी वजह से तजारत में किसी किस्म का नुकसान हुआ है, तो तुम जो चाहते हो वही होगा। हमारी अदालत के काजी शेख अदब अली होंगे। बहुत शुक्रिया, हमें इजाजत दें। हुजूर, कुम्हार तैकफुट निकोला के पास गया था और अब वो सऊद आ रहा है। चौक पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस्मान साहब, क्या आपके पास वक्त है? हमारी बात खत्म नहीं हुई थी। अभी वक्त नहीं है मलून खातून, अभी वक्त नहीं है। सिपाहियों, तुमने मेरे फन के बारे में कुछ नहीं कहा योरको। खूबसूरत है, खूबसूरत। क्या ये सिर्फ खूबसूरत है? जब तुम इसकी तरफ देखते हो क्या सिर्फ खूबसूरती नजर आती है? तो मुझे और क्या नजर आना चाहिए? मैं तुम्हें बताता हूं कि और क्या नजर आना चाहिए। क्या तुम एक धोखा खाए हुए शख्स का गुस्सा देख सकते हो योरको? जरा गौर से देखो। अब अंदाजा हो गया होगा तुम्हें। देखो, एकदम से सब समझ गए होगे। गौर से देखो। इस गद्दार को यहां से ले जाओ। इदरीस साहब, उस्मान, तुमने योर्गो को अच्छा खुशामदीद कहा निकोला। वो सिर्फ गद्दार ही नहीं बल्कि मेरे फन को भी नहीं समझता। गद्दार फलातियोस, क्या तुम फन को समझते हो? ये कुस्तुन दुनिया से आया है निकोला, शहंशाह की तरफ से। इसमें क्या लिखा है? मुझे बुलाया है फौरी तौर पर। क्या चाहता है? मेरे अजीज दोस्त, शहंशाह सिर्फ और सिर्फ हुक्म देते हैं, ये नहीं बताते कि क्या वजह है उस हुक्म की। अगर मुझे फौरन बुलाया गया है तो यकीनन कुस्तुंतुनिया में मुझे मेहमान नवाजी के लिए नहीं बुलाया गया। उस्मान साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी जान बख्श दीजिए। अगर मैं तुम्हारी जान ले लूं तो ये तुम्हारे लिए तोहफा होगा। तुम्हारे गले में पट्टा किसका है? किसका पट्टा है? बताओ मुझे, बताओ किसका। मैं आपको सब बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। कबीले में जो गद्दार हैं वो आपके बहुत करीब तरीन हैं। कौन? बोलो कौन है? उस गद्दार का नाम है चलो उधर कोई है, आ जाओ। तुम उस तरफ जाकर देखो। बाला, आप दोनों रुके हैं। अच्छा उस्मान साहब। वो तीर यकीनन यहां से चलाया गया था। आपको इतना यकीन क्यों है? मैंने खिड़की से अक्स खुद देखा था। ये कदमों के निशान सबूत हैं। वो इस तरफ से ही भागा है। तुम्हारी मौत उस्मान, मौत। मैं आ गया उस्मान साहब। तुम यहाँ कैसे आए बायोजा? अब मैं हमेशा आपके साथ होऊंगा उस्मान साहब। तो फिर चलो आज देखते हैं। जाओ घोड़े पे सवार हो जाओ। कमान दो मुझे। चलो चलो यहां से। चलो भाई ने सबको मार दिया है। चलो यहां आसपास अच्छी तरह देखें। मोहतात रहना, कुछ भी हो सकता है। मेरे भाई रुक जाओ यहीं पे। सबसे पहले हमें इन लाशों को जरा देख लेना चाहिए। लगते तो ये काई कबीले के हैं, लेकिन इस काम के पीछे कोई और है यकीनन। चलो देखें ध्यान से। तलाशी तो ले रहे हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि हम ढूंढ क्या रहे हैं? हमें अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। यकीनन ये तो नहीं जानते हम, लेकिन मोहतात रहना बेहतर होता है। ये देखो, ये क्या है? दिन दिहाड़े सोत के वस्त में जो ऐसा हुआ है, इससे ये साफ जाहिर है कि उस्मान साहब के दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। ये क्या हो रहा है बाला खातून? ये कैसी साजिशें हो रही हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, अल्लाह के हुक्म से उस्मान साहब सबको शिकस्त देंगे। अगर हर मसले से उस्मान साहब को ही निमटना है तो फिर आपका क्या मसरफ बाला खातून? अपने शोहर का साथ कैसे देना है ये मैं आपसे नहीं सीखूंगी। अपनी हद में रहें। बिनते उमर हूं मैं। अपनी हद और किससे किस तरह बात करनी है अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा, लेकिन ये वक्त बातें करने का नहीं है, अमल पैरा होने का है। यहाँ से चलना चाहिए। चलें। Yeah! 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 क्या आप इसे जानते हैं? कौन है ये? मैं नहीं जानता बायोजा। बायोजा, देख रहा हूं कि तुम मेरे करने को कुछ नहीं छोड़ रहे। आपने तमाम मुसलमान तुर्कों का मकसद और उनकी मुश्किलात को अपने कांधों पर उठाया है। इन छोटे कामों में अपना हाथ बटाने से तो ना रोकें। भतीजे, याद रखो, ये जिहाद का रास्ता है। आलम इस्लाम का झंडा उठाने वाला और इस झंडे के साए तले अल्लाह अल्लाह की सदा लगाने वाले अल्लाह की बारगाह में बराबर है। अल्लाह आपको और हिम्मत दे। आपकी रहनुमाई में हम पहाड़ों को रेजा रेजा कर देंगे। अगर आप जिहाद चाहते हैं तो हम काफिरों के शहरों को तबाह कर देंगे। आपके एक हुक्म पर हम अपनी जान तक दे देंगे। शुक्रिया मेरे भतीजे, शुक्रिया। तुम्हारी उम्र दराज हो, तुम्हारा अंदाज अच्छा लगा। एक कायल सिपाही को यूं ही बात करना ज़ेब देता है। हुजूर, हुजूर, वो मुसलमान नहीं है। जल्द ही मालूम कर लेंगे कि ये काफिर कौन है।